हेलो एवरीवन, कैसे हो आप मेरे यूट्यूब फैमिली। आशा करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त में हूँ। आज मैं आप लोग को मुंबई के एक ऐसी दरगाह पे लेके जाऊँगा जहाँ पे मुंबई पुलिस सबसे पहले सलामी देने आती है। मुंबई पुलिस सबसे पहले क्यों आती है इस वीडियो में आपको बताऊँगा, और मुंबई के सबसे बड़े मेले में भी लेके जाऊँगा। वहाँ का टाइमिंग क्या है, कितने बजे ओपन होता है, कितने बजे बंद होता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले हमारी यहाँ से एंट्री होती है और थोड़ा सा पैदल जाने के बाद में ये है माहिम पुलिस चौकी, और पुलिस चौकी के अंदर हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्ला अलैह की दरगाह है। यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्ला अलैह यहाँ बैठते थे और इसीलिए यह दरगाह यहाँ पे बनाई गई है। और हर साल उर्स मनाया जाता है, हर साल की तरह इस बार भी उर्स मनाया जा रहा है जो कि 610वां उर्स मनाया जाता है, और यहीं से संदल उठाया जाता है और माहिम दरगाह तक लेके जाया जाता है। और ये काम मुंबई पुलिस सबसे पहले करती है। ये काम मुंबई पुलिस क्यों करती है इस वीडियो में बताना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप इसके बारे में एकदम डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मुंबई पुलिस हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह को इतना मान सम्मान क्यों देती है। मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूं कि ब्रिटिश लोग समंदर के रास्ते से स्मगलिंग कर रहे थे और मुंबई पुलिस उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर ब्रिटिश लोग ने मुंबई पुलिस के ऊपर पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आते हैं और बुज़ुर्ग जो है पुलिस को अपने पास में बुला लेते हैं, और जब पुलिस बुज़ुर्ग के पास में चली जाती है तो जो पत्थर ब्रिटिश लोग पुलिस के ऊपर हमला कर रहे थे वही पत्थर उन लोग के ऊपर वापस से पड़ना शुरू हो गया और ब्रिटिश लोग जो है घायल हो गए हैं। और तभी से लेके आज तक अगर माहिम इलाके में कोई भी केस आता है तो सबसे पहले मुंबई पुलिस हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में सलामी देती है, फिर उस केस को जांच पड़ताल करती है, फिर उस केस में मुंबई पुलिस को कामयाबी मिलता है। अगर आप माहिम दरगाह पे कभी भी आते हैं तो माहिम पुलिस चौकी ज़रूर आइएगा। यहाँ पे हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, यहीं से संदल उठाया जाता है और माहिम दरगाह तक लेके जाया जाता है। हर साल उर्स मनाया जाता है, हर साल की तरह इस बार भी उर्स मनाया जा रहा है जो कि 610वां उर्स मनाया जा रहा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्दी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पे आते हैं तो आप अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि इस गर्दी में आपके बच्चे खो जाते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पे ऐलान भी करवाया जाता है, और ऐलान करवाने के बाद में 1 से 2 घंटे में आपके बच्चे मिल ही जाते हैं। लेकिन आप अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्दी, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और हमने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का ज़ियारत कर ही लिया। यहाँ आने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। यह है माहिम का माइकल चर्च, जो माहिम चर्च के नाम से भी जाना जाता है, और इसी के सामने माहिम का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। सबसे पहले इसके अंदर हम जाएंगे, और अंदर आने के बाद में सबसे पहले हमें ये मिठाई देखने को मिलता है। अगर इनमें से अगर आप कोई भी मिठाई का नाम जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और थोड़ा सा अंदर आने के बाद में यहाँ पर पहलवान का हलवा पराठा देखने को मिलता है। अगर आप माहिम मेले में आते हैं तो पहलवान का हलवा पराठा खाना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको माहिम मेले में मिलता है। और यहाँ पे आसमानी झूला, मौत का कुआं, और बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारी राइड वगैरह है, तो आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे स्मोक बिस्किट भी देखने को मिलता है। मैंने एक भैया से पूछा कि आप इस डब्बे के अंदर क्या रखे, तो वो भैया ने बताया ये स्मोक बिस्किट है। एक बिस्किट का टुकड़ा रहता है, और बिस्किट के टुकड़े में ये जो है नाइट्रोजन मिलाते हैं, और फिर उसके बाद में आपको खाने के लिए देते हैं। आप जब मुँह में डालते हो तो आपके मुँह से धुआं निकलता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग फन मस्ती करने के लिए आते हैं। इसका जो प्राइस है 50 रुपये है, 50 रुपये बोले तो बहुत महंगा है। एक बिस्किट का टुकड़ा रहता है, उसमें 2-3 टुकड़ा करके नाइट्रोजन थोड़ा सा डाल देते हैं, और उसके बाद में आपको खाने के लिए देते हैं, और उसका जो है ये लोग 50 रुपये चार्ज करते हैं। अभी इस वक्त हम आसमानी झूले के सबसे टॉप पे हैं, और यहाँ से आपको बांद्रा रिक्लेमेशन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से लग रहा है। और यहाँ से पूरे माहिम मेले का जो आप व्यू देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। और उसके बाद में यहाँ पे हर एक राइड का अलग अलग प्राइस है, अलग अलग रेट है, तो आप अपने हिसाब से आके यहाँ पे आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं।